गाइज, मैंने एक बात हमेशा सुनता हूँ अपने क्लाइंट से या डीएम्स में भी, कि जब भी कोई बंदा बीमार होता है या जब भी कोई बंदे का पेट ख़राब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सबसे पहले वो क्या करता है कि अगर आप एथलीट हो तो भैया वे प्रोटीन बंद कर दो। सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो आपका जो है वे प्रोटीन बंद करवा देते हैं कि अगर आपका पेट ख़राब है। अगर कोई सीरियस इशू हो तब हम मान सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही कुछ इन्फेक्शियस हो आपके स्टमक में तब तो मान सकते हैं। अगर आप बेसिक आपको राइट लूज मोशंस हैं या बेसिक आपका स्टमक ठीक नहीं है राइट, या आपकी जो है पाचन शक्ति जो वो सही नहीं है, तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल। मैंने मतलब मोस्टली सुन रहा हूँ, कल भी मैंने किसी से मेरा एक क्लाइंट आया नहीं था कितने दिनों से, तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आ रहा, तो उसने बोला मेरा पेट ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन वगैरह ली, तो डॉक्टर ने अब मुझे बोला है कि वे प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बकवास है राइट। आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एक स्कूप दो स्कूप। देखो वे प्रोटीन में ऑलरेडी जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और अगर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ खा रहे हो तो वो उसमें हेल्प करेगा डाइजेस्टिव को, आपके ट्रैक को सही रखने में राइट। तो ये बिल्कुल ही बकवास है कि अगर आपका पेट ख़राब है या थोड़ी तबीयत अपसेट है आपका स्टमक, तो भैया आप जो है वे प्रोटीन को बंद कर दो। ऐसा नहीं है, आप वे प्रोटीन जैसे कंज्यूम करते हो रूटीन में वैसे आप कंज्यूम कर सकते हो बेझिझक।